वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कमलजीत, इन्होंने जन जागृति पर संदेश देकर समाज में जागृति की है। तंबाकू हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है, यह जानकारी डॉक्टर कमलजीत इन्होंने अपने वीडियो संदेश द्वारा दी है। टोबैको डी एडिक्शन सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाता है फ्रेंड्स, वो हमारी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी इफ़ेक्ट करता है, और हमारी फैमिली में जुड़े हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, सभी को एक अलग परेशानी में डालता है। टोबैको एडिक्शन से बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैं मानती हूँ कि टोबैको एडिक्शन, जैसे कि टोबैको का सेवन करना किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, या फिर टोबैको को सिगरेट के फॉर्म में लेना, ये बहुत आसान नहीं है इस एडिक्शन को छोड़ना। क्योंकि कुछ पेशेंट्स मेरे संदर्भ में आते हैं जिनका एडिक्शन 15 साल 20 साल पुराना होता है, जिनका एडिक्शन बचपन से वो लेते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें तो ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम टोबैको से दूर जा सकते हैं। आजकल जो मेनली जो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं उसको हम एनआरटी थेरेपी बोलते हैं, और उसमें हम लोग ज़्यादातर निकोटीन के जो च्युइंगम्स हैं और टोबैको के जो निकोटीन के जो पैचेस हैं, हम लोग वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो दैट उसका एक ट्रीटमेंट होता है, उसका एक शेड्यूल होता है, उसको वीकली किस तरह से लेना है, उसका एक पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उस तरह से हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी पेशेंट उसको सही रूप से, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेता है, तो ऑफकोर्स ही और शी कैन क्विट दिस टोबैको एडिक्शन। तो अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी जानकारी, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने साइकोलॉजिस्ट को इसमें आप मिल सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8625096696।